कि जिन लोगों को आज अयोध्या का ये विकास अच्छा नहीं लगता तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन आया कि 13,000 लैंड, अयोध्या की 13,000 एकड़ लैंड 3 लोगों को आवंटित कर दी गई। मुझे बताओ क्या अयोध्या प्रॉपर में 13,000 एकड़ लैंड है क्या? पहले तो उनकी बुद्धि और विवेक पर ही मुझे संदेह होता है जो लोग इस प्रकार की न्यूज देते हैं। दूसरा, अयोध्या में कोई भी लैंड आवंटित नहीं की गई तो इस प्रकार की फेक न्यूज क्यों देते हैं? एक दिन फिर दूसरी न्यूज आती है कि अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ पर 3800 स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई, यानी अयोध्या की जनता को और अयोध्या वासियों को कड़घरा में खड़ा करने का यह प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सके, नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी ई कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है, अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लौलुहान किया था। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक चिकित्सक, एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हवाई मेज पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जाए के पिछड़ी जाति की बेटी के साथ हुई हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े हैं, कहते हैं निर्दोष है।